नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए मैरिज और करियर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो ओवरऑल आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो क्विक एक्शन और डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। जैसे ही कोई ख्यालात या बात आपके दिलो दिमाग में आएगा, उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना सबसे पहले रणनीति आपकी रहने वाली रहेगी। इसके बाद बात करें तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे। रीज़न यही है कि आपका नीचे का भाग ज़्यादा उभरा हुआ है और ऊपर के जो दो पोर्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करियर वाइज या एक प्रकार से नौकरी के हिसाब से, तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। वो है शनि और सूर्य। जब ये ज़्यादा डेवलप नहीं होते तो अनकम्फर्टेबल या अनस्टेबिलिटी जॉब को लेकर के बनी रहती है। तो इस कारण से इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रोग्रेस देता है, या फिर आप जैसे जॉब भी करते तो उसमें हाई पोस्ट अथॉरिटी या एक प्रकार से अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क आपके पास हो, जिसमें आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा हो, तो वो भी जो एक करियर वाइज देखा जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल और ग्रोथ आपको अच्छा दिला सकता है। इसके बाद बात करें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा एरर आता है, जैसे मन में बात को रखना, अपोजिट जेंडर से बात करते समय या स्ट्रेंजर से शर्मिलापन या स्टेज फियर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर का झुकाव यहाँ पर थर्ड फिंगर की ओर है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीखने और समझने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहने वाली रहेगी। इसके बाद देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और देखा जाए तो इस प्रकार के जब योग बनते हैं तो ये रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखे रहना, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, इस प्रकार का नेचर आपका रहने वाला रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है, देखा जाए तो इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर गुड रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते ही रहेंगे, और इसी कारण से आपके अंदर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहने वाली है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम के चांसेस ब्राइट बनेंगे। देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट नहीं है, अच्छी खासी है, तो इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रहेगा। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। और जैसे गुरु की फिंगर ज़्यादा है तो नॉलेज गेन करने पर आपका विश्वास ज़्यादा रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो इस कारण से ईगो थोड़ा जल्दी हर्ट भी हो सकता है। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव आपके सैटर्न की ओर है, तो ये धार्मिक होने के योगों को बताता है, तो धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। फिंगर के बीच में जैसे गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है और अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपके बेसिकली थोड़े कम रहेंगे। और देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो आपकी फ्रेंडली नेचर व मिलनसार स्वभाव को बताता है, तो हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आपका संबंध कुल मिलाकर के ठीक रहता है। जो कठिनाई आती है, प्रॉब्लम, वो स्टार्टिंग में आती है लिटिल फिंगर के शॉर्ट होने के कारण। बाकी देखा जाए तो थंब यहाँ पर स्ट्रांग है, तो जिद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, हठी किस्म का नेचर है, तो अपने बात पर अड़िग रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो यव साइन भी डेवलप है, तो इस कारण से ये गुड इंट्यूशन पावर और सिक्स्थ सेंस को भी इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन अगर करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी खासी डेवलप होंगी। बाकी कहीं ना कहीं पूर्वानुमान या आभास आपको अच्छा खासा हो जाता है। इसके अलावा ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी है, तो कोई भी नई चीज़ सीख अच्छे से व जल्दी समझ सकते हैं, और धार्मिक भी यहाँ पर आप रहने वाले रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज की लेंथ से ज़्यादा है, तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रांग रहने वाला है। और पाम का साइज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप में है, तो बैठे बैठे अधिक काम करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा फील्ड वर्क आप नहीं कर पाएंगे। बाकी देखा जाए तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप है। जब शुक्र का क्षेत्र इस प्रकार से ज़्यादा डेवलप होता है, तो जीवन में खाओ पियो ऐश करो वाला जो नीति है वो बहुत जल्दी अप्लाई होता है, तो लाइफ में आपके एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, लग्जरीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की इन्जॉयमेंट, हर प्रकार का हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो यही है कि कहीं ना कहीं जॉयफुल इन्जॉयफुल अपने लाइफ को बनाना और किसी भी प्रकार के इन्जॉयमेंट को स्कीप ना करना, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो उस कारण से लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। प्लानिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, एक्शन डायरेक्ट लेते हैं, उस प्रकार की युति है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से जैसे प्रारंभ करें, तो गुरु का क्षेत्र कुल मिलाकर के ठीक डेवलप है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी पहुँची हुई है, तो इस कारण से एम्बिशियस नेचर आपका रहेगा। बाकी देखा जाए तो यहाँ की आड़ी रेखा धार्मिक और एक प्रकार से दयालुपन की प्रवृत्ति को बताता है, तो दूसरों का दुख दर्द नहीं देखा जाएगा आपसे, और जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना आप करेंगे। सोशल वर्क भी इस कारण से आप अपने लाइफ में प्रेफर करेंगे।
शनि का क्षेत्र जैसे मैंने कहा कि दबा हुआ है, तो इस कारण से हर काम की शुरुआत में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, बाधा या देरी होती ही होती है। और यही रीज़न है कि थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन जल्दी मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलने में थोड़ी डिले देखने को मिलता है। बाकी भाग्य रेखा के विषय में बात करते हैं यहाँ पे, तो जो फेट लाइन है वो आपकी चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है, तो इस कारण से मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा लाइफ में आपको रहने वाला है। साथ ही साथ जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा, बाहरी दुनिया और बाहरी लोगों का भी सहयोग आपके जीवन में अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर भी भाग्य रेखा आपकी कंटिन्यूस चल रही है, तो प्रोफेशन करियर 24-5 के एज से स्टार्ट अच्छा होते हुए दिख रहा है, और प्रोफेशन करियर में भी चेंजेस अप्रोक्सीमेटली आपको 38 के एज में वापस होने वाला रहेगा। इसका डबल सोर्स ऑफ अर्निंग है, शनि पर भी रेखा है, तो बुढ़ापा भी इस कारण अच्छा रहेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो धन जीवन में अच्छा है, उसमें कहीं से कहीं तो कोई भी ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निरंतर निकली हुई जा रही है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी आप अपने खुद के मेहनत और खुद के प्रभाव से भी जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले रहेंगे, और खुद के मेहनत से आप आगे भी बहुत बढ़ेंगे। बीच की रेखा अच्छे कंसल्टेंट को इंडिकेट करती है, साथ ही साथ अच्छे नॉलेजेबल पर्सन को इंडिकेट करता है, तो किसी को आप राय अच्छा दे सकते हैं, परामर्श अच्छा कर सकते हैं, गाइड अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य पर यहाँ पर आपकी क्लियर कट फिश सिंबल जैसी आकृति, फिश सिंबल जो है क्लियर कट यहाँ पर दिख रही है, तो इस कारण से आपके बर्थ के बाद आपके फैमिली में ग्रोथ अच्छी हुई होगी, पिता के कंडीशन में सुधार अच्छा हुआ होगा, साथ ही साथ आपको फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा लाभ मिलने के भी आसार हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भाग्य रेखा कंटिन्यूस आपकी नहीं चली है मून की, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिश सिंबल समृद्धि को, सक्सेस को, ग्रोथ को और हर प्रकार के सुख सुविधा, साथ ही साथ नेम फेम पॉपुलैरिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से इंडिपेंडेंटली जैसे वर्क आप करेंगे ज़्यादा आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। बाकी अगर करियर वाइज जैसे बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आपके हाथ में इस कारण से ब्राइट है, और जैसे करियर में जा रहे हैं तो उसमें भी हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी पर जाने के योग ब्राइट है, क्योंकि फिश सिंबल क्लियर कट यहाँ पर विजन हो रहा है। प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे बनेंगे, सूर्य की रेखा भी है, तो बहुत ज़्यादा पंचुअल भी आप यहाँ पर रहेंगे, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, पावर अथॉरिटी आपके अंडर में अच्छा खासा रहने वाला है। बीच फिर उसके बाद जो सूर्य और बुध के बीच में भी रेखा जा रही है, तो बोलने की कला इस कारण से अच्छी देखने को मिलती है। बाकी देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी के लिए ही मेनली इंडिकेट होता है। मरकरी माउंट कुल मिलाकर के ठीक डेवलप है, ठीक एरिया ले रहा है, तो बोलचाल की कला ठीक रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लिटी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ हंसमुख हास्य कवि वाली पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। और हृदय रेखा में मैं देख पा रहा हूँ कि कंटिन्यूस इसमें चेंजेस बहुत हो रहा है, डबल लाइन भी चल रही है, तो इस कारण से आपकी इमोशंस फीलिंग्स में बार बार कहीं ना कहीं चेंज आता है, तो इस कारण से मूड स्विंग का भी इशू होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेन जो आपकी हार्ट लाइन है वो कंटिन्यूस चल रही है, तो कार्य के प्रति एकाग्रता आपकी अच्छी रहेगी, यानी वर्कोहोलिक नेचर रहेगा, वर्क को लेकर के ज़्यादा आप सीरियस अपने लाइफ में रहेंगे। बाकी कुछ रेखा ज़रूर है जो हृदय से कनेक्टेड हो रही है, गुरु से कनेक्टेड हो रही है हृदय रेखा, तो ये एक प्रकार के इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करती है। बाकी मेन आपका जो लाइफ का कंसर्न रहने वाला है वो वर्क को लेकर के रहने वाला है, यानी वर्क को सीरियसली लेंगे और प्रोफेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी अपने लाइफ में आप देंगे। इसके बाद बात करें आपके माइंड लाइन की, तो माइंड कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि माइंड लाइन डबल ट्रिबल लाइंस के साथ यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इस कारण से बार बार मेंटेलिटी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो कभी कभी डिसीजन सही ले लेते, कभी गलत ले लेते, यानी ओवरऑल देखा जाए तो मेंटली आप थोड़े कन्फ्यूज्ड और कह सकते हैं कि भ्रम में भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजंस प्रॉपरली इस कारण से नहीं निकल पाते हैं, और फोकस में भी थोड़ी सी कमी इस कारण से आती है। तो इस कारण से माइंड लाइन के मेंटेलिटी के जो है रेमेडीज आपको करने होंगे, ताकि फोकस आपका अच्छा बढ़े, डिस्टर्बेंस लाइफ में कम हो, ग्रोथ अच्छा मिल सके, डिसीजंस आप अच्छे ले सके। अभी फिलहाल में ये हो रहा है कि मंगल की भी रेखा आ गई है, और एक और मंगल की रेखा आ गई है, तो ये इस कारण से बिजनेस में भी जाने के योग को इंडिकेट करता है, फिर ऊपर से प्रोफेशनल लाइफ को भी बताता है, मंगल से कनेक्शन है तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में अत्यधिक काम भी होते हैं, पेशेंस लेवल कम होता है, और ऊपर से देखा जाए तो और भी लाइन इस पर अटैच हो रही हैं इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर बताता है कि प्लानिंग्स आप ज़्यादा करते हैं लेकिन वो प्लानिंग ऑन पेपर पर होता है, एक्शन में नहीं आता, तो इस कारण से ये एक प्रकार से डिस्टर्बेंस को बताता है। लेकिन ओवरऑल आगे चल करके माइंड लाइन जैसे आपकी शार्प हो रही है, एकदम स्ट्रेट हो रही है, तो ये हमेशा नहीं रहेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 34 के एज के आसपास तक आते आते माइंड जो है प्रॉपर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है आपका, और उसके बाद से ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ साथ एक प्रकार से लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आपके होगा, तो हर बात में फिर लॉजिक लगाने लगेंगे, मेमोरी शार्प रहेगा,
तो पुराने से पुराने बातों को याद अच्छे से रख पाएंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग स्किल में ये अच्छी बढ़ोतरी को बताता है। वहीं माइंड लाइन से भी ऊपर की ओर रेखा जा रही है तो बिजनेस में जाने के योग भी आपके ब्राइट है, व्यापार से भी लाभ आपको अच्छा हो सकता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन की बात करें तो ये प्रॉपरली जो इंडिपेंडेंट हो रही है ये अप्रोक्सीमेटली 26-27 एज के बाद में हो रहा है, और उसी के बाद आपके मैरिज के भी चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन निकली है तो अप्रोक्सीमेटली 35+ एज के बाद आते आते तक जो है आपको 33, 38, 39, उसके बाद 44, 45 इस एज में आपको जो है लाइफ में प्रोग्रेस, ग्रोथ या अचीवमेंट्स हासिल लगने वाले रहेंगे। सहयोगी रेखा भी यहाँ पर आपकी निरंतर चल रही है तो लाइफ में दूसरों का भी सहयोग अच्छी खासी मात्रा में मिलने वाला रहेगा। फिर एक कनेक्शन जो है यहाँ लाइफ लाइन से निकल के मून माउंट पे भी गया हुआ है तो फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस ब्राइट हैं। फॉरेन में जाकर के कुछ टाइम स्टे करने के योग भी आपके ब्राइट है। लाइफ लाइन से भी डिवाइडेड लाइन हुई है केतु के क्षेत्र पर तो ट्रैवलिंग के योग अच्छे खासे हैं। फैमिली से कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, लक सब अच्छा रहने वाला है, लॉन्ग लाइफ है। और ओवरऑल देखा जाए तो 28 अप्रोक्स में मैरिज के योग भी ब्राइट है। यहाँ पर डबल लाइन है तो दो बार कहीं ना कहीं अटैचमेंट, अफेयर, रिलेशन में आने के योग बनते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, ये सिर्फ एक अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी देखा जाए तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों कुल मिलाकर के नॉर्मल है। खान पान पर थोड़ा अत्यधिक ध्यान देना होगा क्योंकि शारीरिक जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी यहाँ पर वीक दिख रही है। शुक्र ठीक डेवलप है तो लग्जरीज व सुख सुविधा में किसी भी लेवल में कोई कमी नहीं रहेगी, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। सीधी खड़ी रेखा है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की भी कोई आपको कमी नहीं होगी। तो शुक्र जब अच्छा होता है तो अच्छा धन भी आता है, खर्चे भी अधिक होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में देखने को मिलती है तो ये यहाँ पर बेस्ट साइन होता है। फिर यहाँ से कुछ रेखा निकल के आपके यहाँ पर चंद्र पर भी जा रही हैं तो इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, तो ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो किसी चीज़ का आपको एडिक्शन रह सकता है, अगर ये एडिक्शन अच्छा है तो कंटिन्यू रखिए, नहीं है तो इसको हटाने का या समाधान का प्रयत्न भी करें। इसके बाद चंद्र के क्षेत्र की बात करते हैं तो चंद्र के क्षेत्र से मल्टीपल्स लाइन निकल रही हैं तो मन की आप ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से इस प्रकार से आपके मरकरी लाइन भी निकली हुई है तो ये बेसिकली आपके हेल्थ में ही इम्प्रूवमेंट करने वाला रहेगा। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी ट्रबल छोटे मोटे चलते हैं वो भी आगे चल के खत्म हो गए। व्यापार में आने के योग भी अच्छे हैं, पंचुअलिटी आपके अंदर अच्छी आएगी, मैनेजमेंट्स अच्छे डेवलप होने लगेंगे। और ये रेखा जिस दिन इस प्रकार से प्रोमिनेंट हो गई तो उस टाइम के बाद से जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बढ़ेगा एवं बचेगा भी। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपके एक प्रकार से देख पाए तो स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है तो खुद की आपकी प्रॉपर्टी भी होने के योग सबसे ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।